अब आपको बताएं, भारत की तमाम साजिशें नाकाम हो गईं। भारत पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। जराए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौकफ की जीत हो गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप का इनेकाद कराने पर राजी हो गई है। एशिया कप दो मरहलों में खेला जाएगा। पहला मरहला पाकिस्तान और दूसरा श्रीलंका में होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल जल्द इजलास में बाकायदा मंजूरी देगी। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से, मजीद तफसीलात जान लेते हैं अरसलान जावेद से। जी अरसलान, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। बिल्कुल जी, ये बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि ये सिर्फ एशिया कप के कहने को तो ये सिर्फ चार मैचेज हैं जो पाकिस्तान के हिस्से में आए हैं, बाकी मैच श्रीलंका में होने हैं। लेकिन जो इसमें बड़ी पेशरफ्त है वो ये है कि भारत में पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ भारत भी अब चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए 2025 में पाकिस्तान आने की यकीन दहानी दे चुका है। और ये सारा जो मामला है ये पाकिस्तान की वजह से जो है वो अमल में आया है। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान जो है वो भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर चुका था एशिया कप ना होने की सूरत में, जिस पर भारत की जो शेड्यूल है वर्ल्ड कप का वो ताखीर का शिकार होता चला जा रहा था, जिस पर अब भारत ने जो है वो घुटने टेके हैं और पाकिस्तान के इस मौके को तस्लीम किया है कि एशिया कप की मेजबानी अगर पाकिस्तान के पास है तो पाकिस्तान ही फैसला करेगा कि कौन से मैचेस कहां पे होंगे। तो यूं पाकिस्तान में जो है वो अब एसीसी जो है 14 जून को जो इजलास होगा उसमें चार मैचेस पाकिस्तान लाहौर में जो है वो करवाने की तजवीज है, बाकी मैचेस श्रीलंका में होंगे और उसके बाद जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं उसके लिए पाकिस्तान भारत जरूर जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ उसके बदले में भारत को भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना होगा, क्योंकि आईसीसी ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबानी के हकूक पाकिस्तान को दे रखे हैं। तो ये एक बड़ी रुकावट थी कि पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप के लिए जाएगा तो उसके बाद भारत जो है वो हार्ड डर्बी पे उतर आएगा और पाकिस्तान नहीं आएगा, जिस पर आईसीसी से जो है यकीन दहानी मांगी गई थी और आईसीसी ने लाहौर आकर जो है उनके वक्त ने बकायदा तौर पर जो है इस चीज की गारंटी दी थी। और अब ये मामला जो है हल होते नजर आ रहे हैं और 14 जून को बकायदा तौर पर जो है ऐलान भी हो जाएगा। अरसलान, शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।